नगरोटा सूर्य के बस स्टैंड पर चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से लगभग 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि घायलों की पूर्ण संख्या 24 तक पहुंच गई है। कुछ लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज भी शिफ्ट किया गया। वहीं 108 एम्बुलेंस मौके पर न होने के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी देरी हुई। दुखद बात यह भी रही कि मौके पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं पाया गया। मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ व स्थानीय मेडिकल स्टोर व प्राइवेट अस्पताल मन्नत के डॉक्टरों ने पहुंचकर मरीजों को फर्स्ट एड दिया। अस्पताल में पूरा स्टाफ ना होने पर भी लोगों में काफी रोष देखने को मिला। सिलेंडर फटा और काफी बंदे घायल हुए और उन बंदों के कपड़े काट पाड़ के मैंने बाहर निकाला। जितनी मेरे से कोशिश हुई उतनी मैंने की और गाड़ियां मंगाई और बंदे हॉस्पिटल में पहुंचाए और बंदे की 4-5 आदमी की बहुत ज़्यादा गंभीर व्यवस्था है, वो टांडा में ट्रांसफर कर दिए और कुछ लोग अभी नगरोटा सूर्य में हैं, वो भी टांडा के लिए जा रहे हैं। इसमें मतलब इतने खंडर हुए हैं और जहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है और इतने बेड हैं, मतलब कि अगर कोई घटना घट जाती है तो 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर कांगड़ा जाना पड़ता है हमारे को और रात में ही कुछ हो जाए पर कौन जिम्मेवार होगा, जबकि हमें पूरा स्टाफ जहाँ चाहिए। जहाँ नगरोटा सूर्य में इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी कोई स्टाफ नहीं है, सिर्फ छोटा स्टाफ है, डॉक्टर कोई नहीं है। वरुण केस आए हैं यहाँ पे ना, वहाँ सिलेंडर फटा है नगरोटा सूर्य में, तो 27 पेशेंट हमारे पास आए हैं, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया और आधे 25 जो है वो रेफर किए हुए हैं, उन लोगों ने दो थोड़े कम है और बाकी जो बाहर चले गए हैं। लोगों का आरोप है कि यही हॉस्पिटल में आज मौजूदा समय में एक भी डॉक्टर नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर को एक ही है हमारे पास ना, वो एक्चुअली उनकी काउंसलिंग है, वो वहाँ पे गए हुए। कितने कितने डॉक्टर की आवश्यकता है यहाँ पे इस वक्त, कितने डॉक्टर की पोस्टें खाली चल रही हैं? दो सिर्फ दो ही डॉक्टर? हाँ जी जी, और बाकी पीएस पूरा ब्लॉक ही खाली है, पूरा ब्लॉक खाली। कितने बेड का हॉस्पिटल है ये? 6 बेडेड हॉस्पिटल गुलशन। ये पीएससी है सीएससी है? ये है तो सीएससी पर है, 6 बेडेड। तो सीएससी में तो 30 बेड का हॉस्पिटल होता है? नहीं है, 6 बेडेड है। थैंक यू।